में ऑक्सीजन के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में बहुत से लोगों का घर भी बिक गया, खेत भी बिक गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए। इतना बड़ा व्यवस्था है ये पंडित कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल में। 200 बेड की बात हो, 200 बेड हैं और बता रहे थे कि वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर भी है, सब कुछ है। मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर नहीं है जो उसको चला सके। दो ही तीन डॉक्टर हैं, उसी में पूरा काम चल रहा है। तो मैं यही सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ पे ट्रेंड डॉक्टरों को भेजने का काम करें और चंदौली को लोगों का जान बचाने का काम। जबकि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से है, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, इसके कारण मरीजों की मौत हो रही है। देखिए यहाँ पे तो बता रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, क्योंकि मैं गया था अंदर तो मालूम पड़ा कि दो ही तीन ट्रेंड लोग हैं, तो दो तीन ट्रेंड लोग दो तीन मरीज को देख रहे हैं, इसलिए दो तीन मरीज से ज्यादा लोग ले ही नहीं पा रहे हैं। पूरी मशीनरी जब आ गई है, जब पीएम रिलीफ फंड से 8 वेंटिलेटर आया है और 16 स्टेट गवर्नमेंट से आया है, बाकी पहले के हैं, सब व्यवस्था होने के बाद भी ये बिल्डिंग भी इतनी बड़ी पिछली सरकार में ही ये बनी है, सब कुछ रहने के बाद अगर डॉक्टर की कमी, भोजन बनाने के लिए सब व्यवस्था है, लेकिन परेशानी ये है कि भोजन बनाने के लिए गृहिणी नहीं है। गृहिणी नहीं रहेगी तो भोजन बनेगा कैसे? सामान तो सब उपलब्ध है। क्या मानते हैं अब तक ये जो मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सीएमओ साहब है, इसके जिम्मेदार डीएम साहब है, इसके जिम्मेदार सीएम साहब है और इसके जिम्मेदार पीएम साहब है, क्योंकि आज हमारे सांसद जी और विधायक जी घरों में बैठ के ये कह देना है कि सब व्यवस्था ठीक है। लेकिन मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि विधायक जी कितने बार आप आके देखे हैं कि ऑक्सीजन है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, डॉक्टर है कि नहीं? जब नहीं देखेंगे तो कैसे जानकारी होगी? यह देखना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि माननीय विधायक जी घरों से निकलिए और यहाँ पर आइए और देखिए और यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध कराइए।